बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने पिछले दिनों कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें आज 28 कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने मीडिया को जानकारी दी कि जब से सरकार बदली है तब से उनके ऊपर अब तक 15 से अधिक झूठे मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आए दिन खुलेआम गोलियां बम चलाई जा रही हैं। उन पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। यहां तक कि कोयला चोरी भी धनबाद जिले में चरम पर है। धनबाद के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। विधायक ढुल्लू महतो ने यह भी कहा कि अगर किसी पर भरोसा है तो वो प्रभु राम पर भरोसा करते हैं, यहाँ की आम जनता पर भरोसा करते हैं और किसी और पर भरोसा नहीं है। जब भी श्री राम मंदिर बागमारा स्थापना दिवस का दिन नज़दीक आने वाला होता है, ऐसे में सरकार राम भक्तों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने के षड्यंत्र रचती है। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सभी मामलों पर CBI जांच करें। अगर वो दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। आने वाले दिनों में ऐसी सरकार को प्रभु श्री राम ही सबक सिखाएंगे और उनके किए हुए पाप का हिसाब जरूर लगाएंगे। उस पर कोई केस नहीं हो रहा, केस हो रहा है एक गरीब कोशिश आदिवासी के प्रति, दलितों के प्रति, समाज के प्रति काम करने वाले व्यक्ति पर केस हो रहा है। क्या कहेंगे विधायक जी? हम सारा न्यायालय पर भरोसा, जो जूठा जूठा सरकार चेंज होने के बाद 15 मुकदमा हम पर किया है, ये तो CBI जांच के लिए भी हमने कहा है, कोई केस नहीं है। अरे यहाँ दिन दहाड़े गोली चल रहा है, बम चल रहा है, हत्या हो रहा है, उस पर कोई केस नहीं हो रहा, केस हो रहा है एक गरीब कोशित आदिवासी के प्रति, दलितों के प्रति, समाज के प्रति काम करने वाले व्यक्ति पर केस हो रहा है।